आज का दिन आलमगीर दुनिया में फादर डे के हवाले से मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, और मैं इस बात के लिए खुश हूं कम से कम साल में एक बार कुछ तो नसीहत करने तरबियत करने का मौका होता है। हालांकि ये काफी नहीं, कितने बच्चे यहां बैठे हुए हैं, क्या आप ये समझते हैं बाप की इज्जत करना साल के 365 दिनों में एक दिन है? कितने लोग ये समझ रहे हैं? क्यों पास्टर रुपाना जी, ऐसा नहीं है। एंड कम साहब, सवाल ये है, क्या साल के 365 दिन है? एक साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है। क्या 365 दिनों में एक दिन जो मकरर किया गया है बाप के लिए, क्या ये काफी है? क्या हमें सिर्फ साल में एक दिन बाप की इज्जत करनी है? जवाब सुनिए। पैसा वगैरह जाते हैं तो दो दिन बातें नहीं होता। मैंने जवाब यह दिया है कि 365 की बजाय अगर 366 दिन होते साल में, तो मैं कहता कि अपने माँ बाप की 366 दिन इज्जत करनी चाहिए, बल्कि रोजाना करनी चाहिए, हर लम्हा करनी चाहिए। खुदा के पाकलाम में लिखा है कि तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र इस जमीन पर दराज हो। सिर्फ 10 हुक्मों में से एक ये हुक्म है जिसके साथ वादा कि आपकी उम्र दराज होगी। और खुदावन के पाक कलाम में यह भी लिखा है कि जो अपने बाप और माँ पर लानत करता है उसका चराग गहरी तरीकी में बुझाया जाएगा। तो बाप, मैंने देखा है कि बच्चे माँ के साथ ज्यादा अटैच होते हैं और बाप बेचारा सारी उम्र कमाता ही रह जाता है और उसको वो प्यार वो मोहब्बत नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। लेकिन वो इस गहरे दरख्त की तरह होता है, सायादार दरख्त की तरह, धूप नहीं पड़ने देता अपने बच्चों के ऊपर, सारी उम्र कुर्बानी। यहाँ पे बहुत सारे वाद लिखे हुए, परफेक्शन, लव, केयर, अटेंशन, स्ट्रेंथ, एक लफ्ज की यहाँ कमी है, सैक्रिफाइस। कुर्बानी का दूसरा नाम बाप है, सारी उम्र कुर्बानी देता है। तो मैं आप सब से बच्चों से गुजारिश करूंगा कि अपने बाप और माँ दोनों की कदर करें, लेकिन बाप की बहुत ज्यादा कदर करें, वो बहुत कुर्बानी देता है आपके लिए। खुदाऊंगा आप सबको बरकत। भाई के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। और मैं समझता हूं इस मैसेज पर मैसेज भी, हाँ जी बात साहब, बहुत मुश्किल है। सारी बातें तकरीबन वो आपके सामने बयान करते हैं, लेकिन मेरे दिल में भी खुदा ने कुछ बातें डाली हैं, वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जबरदस्त बात वो फैमिली जिन्होंने ये सारा त्याग किया है, उनका पीछे क्या सोच, मैं चाह रहा था उनको बुलाकर उनसे भी पूछा जाए, लेकिन आप सब ये देख रहे हैं, एक दरख्त को देख रहे हैं, सबको नजर आ रहा है, आप लोगों को भी। और ये दरख्त जो है ये एक बाप की नुमाइंदगी है और इसमें बहुत सारे पत्ते हैं, ये सब उसके बच्चे हैं, ये उसकी फैमिली है, ये उसका घराना है। और इस दरख्त के नीचे हर एक के लिए साया है, हर एक के लिए तहफ्फुज़ है, हर एक की यहां जो है वो जरूरत पूरी होती है। मैं खुदा के कलाम में से
एक बड़ी तमसील को जो यीशु मसीह ने कही आपके सामने रखना चाह रहा। लुका की इंजील को जब हम देखते हैं इसमें 15वां बाब 11वीं आयत से यीशु मसीह ने एक तमसील, एक कहानी, एक हकीकत को हमारे सामने रखा है। 15वां बाब लूका की इंजील उसका 11वीं आयत से, फिर उसने कहा कि एक शख्स के दो बेटे थे। गौर के साथ सुनिएगा, एक शख्स है, एक बाप है, उसके दो बेटों की बाबत कहा जा रहा है। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ लेकर दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मदाज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदा के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के कितने ही मजदूरों को अफराद से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और बोसे लिए। बेटे ने उससे कहा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहता हूँ। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा जामा जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ को हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़बह करो ताकि हम खा कर खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा बेटा मर गया था, अब जिंदा हुआ हो गया है अब मर गया है, सॉरी, अब जिंदा हुआ, अब मिला है, बस खुशी मनाने लगे। पाकलाम का ये हिस्सा पढ़ा और सुना जाना सबके लिए बाइस से बरकत हो। इस हिस्से में दो बेटे हैं और एक बाप, इनकी जो है कहानी हमारे सामने है। और इस कहानी को एक बड़ा नाम दिया गया है और ये कहानी एक नाम से पहचानी जाती है, नुसरत बेटा। एक ऐसा शख्स, एक ऐसा बेटा जो बाप का नाफरमान है, एक ऐसा बेटा जो सरकश नजर आता है, एक ऐसा बेटा जो बाप की फरमा बरदारी में नजर नहीं आता, एक ऐसा बेटा जो बाप के कहने और सुनने में नजर नहीं आता, एक ऐसा बेटा
जो बागी है वो बाप की इज्जत नहीं करता। अगर आप इस बात को देखें कि वो बेटा जो सरकश होता है, वो बेटा जो बाप की इज्जत नहीं करता, वो बेटा जो बाप के साथ जो है वो बगावत करता है, अगर आप स्तिष्णा की किताब उसके 21वें बाप को पढ़े, 18वीं आयत पर, स्तिष्णा 21:18, इसको हम पढ़ेंगे नहीं, आप सुनिएगा, 21:18 में लिखा है कि वो बेटा जो सरकश हो, वो बेटा जो नाफरमान हो, वो बेटा जो जिद्दी हो, उसकी बाबत लिखा है कि उसे संसार कर दिया जाए। शरीयत में ऐसे बेटे के लिए सख्त हुक्म है, ऐसा जिद्दी और नाफरमान बेटा जो वालदैन की इज्जत नहीं करता, फर्मा बरदारी में जिंदगी बसर नहीं करता, उसके लिए शरीयत ये कहती है, कानून ये है कि उसको संसार कर दिया जाए, वो मार दिया जाए, और इस तरह से इस तरह की जो सरकश जिंदगियां हैं उनको खानदानों में से, कलीसिया में से दूर किया जाए। लेकिन इस हिस्से में जो हमारे पास यीशु मसीह ने एक तमसील रखी है, इस हिस्से को जब हम देखते हैं तो इसमें एक जबरदस्त पैगाम है। बेटा नाफरमान है, बेटा जिद्दी है, बेटा हट धरनी पर उतरा हुआ है, बेटा बाप की नहीं मान रहा, खानदान के किसी फर्द को खातर में नहीं ला रहा, माँ बाप का उसे कुछ एहतराम नहीं, उनकी इज्जत का कुछ ख्याल नहीं, उन्होंने किस तरह से माल इकट्ठा किया है, किस तरह से उन्होंने जायदाद बनाई है, उसको इस बात का कुछ अंदाजा नहीं, लेकिन वो ये चाहता है क्योंकि मैं जो है बेटा हूं और इस जायदाद पर इस जो मलकियत है इसमें मेरा हिस्सा है, और वो उसको हासिल करने की कोशिश कर रहा है, वो चाहता है कि वो उसे मिल जाए जो उसका बनता है, बाप ने जो कुछ उसका बनता है उसे दे दिया है। यहां भी बाप एक मेहरबान नजर आता है, बाप का प्यार नजर आता है, बेशक ये जिद्दी है, बेशक ये नाफरमान है, बेशक ये हर धरनी पर उतरा हुआ है, लेकिन मेरा बेटा है, और वो उस मोहब्बत में जो पाप की मोहब्बत है, उस प्यार में जो पाप की जिंदगी में है, वो एहसास जो उसकी जिंदगी में अलाद के लिए है, वो ख्याल जो अलाद का उसने करना है, उसमें इस बड़े फैसले को वो देता है। हालांकि बाप के लिए ये बहुत मुश्किल है, लेकिन वो चाहता है कि मेरा बेटा मोहब्बत से रहना जाए, प्यार से खाली ना रह जाए, और मुझे जो खुदा की तरफ से औलाद के लिए मोहब्बत और प्यार मिला है, वो एहसास जो मेरी जिंदगी में औलाद के लिए है, वो उससे ये खाली ना रह जाए, और उसने इस मोहब्बत में एक बड़ा फैसला लिया है, इस मोहब्बत में उसने एक बड़ा कदम उठाया है, और बड़ा मुश्किल कदम है, लेकिन वो सह लेता है, बर्दाश्त करता है, सबर करता है, और अंदर ही अंदर उसने दिन ही दिन में
पता नहीं कितने आंसू बहाए हैं, लेकिन बेटे को वो चाहता है कि जो ये चाहता है वो हो जाए। और उसने उसमें उस मोहब्बत में उसका हिस्सा उसे दे दिया है। अब बेटे का किरदार, उसने उसको लिया है, कुछ दिनों तक बाप के सामने सामने है, और कुछ ही दिनों के बाद वो अपने उस सारे मालमत्ता को लेकर वहां से एक दूर मुल्क में चला जाता है। जब वो उस मुल्क में चला जाता है, इसके पास रुपया पैसा है, और अक्सर ये होता है कि वो रुपया पैसा हमें चैन नहीं लेने देता। जब पैसा आता है ना, तो फिर बदचैनी खुद जो है वो आनी शुरू हो जाती है। कई तरह की नाफरमानी और गुनाह जिंदगी में आना शुरू हो जाता है। काश वो लोग जिनके पास पैसा है वो पद चलन ना हो, काश उस प्यासे से वो खुदा से प्यार करने वाले हों, काश वो उस पैसे से खुदा से और खुदा की गुर्बत में बढ़ने वाले हों, और उस रुपए पैसे से वो खुदा के जलाल को साहिब करने वाले हों। एक और बड़ी तमसील अंजील में नजर आती है, एक नौजवान है, उसके पास बड़ा पैसा है, यीशु मसीह के पास आया है और चाहता है कि यीशु मसीह के साथ साथ जिंदगी बसर करे, वो अच्छी जिंदगी बसर करना चाहता है, वो फरमाबरदारी की खुदा के साथ जिंदगी बसर करना चाहता है, वो चाहता है कि खुदा के नजदीक वो मकबूल हो, और यीशु मसीह के पास आया है। यीशु मसीह ने उसे एक मशवरा दिया है, एक सलाह दी है कि तू काबल होना चाहता है, खुदा की मोहब्बत में मजबूत होना चाहता है, फिर एक मशवरा है, तुझे एक सलाह देता हूं, जा सारे पैसे गरीबों में तकसीम कर दे, जा इस पैसे को खुदा की राह में दे दे, और फिर मेरे पीछे जा, क्योंकि माल रखते हुए तेरा दिल खुदा के साथ मजबूत नहीं हो सकता, माल रखते हुए दौलत रखते हुए तुझे मुश्किल आएगी खुदा की वफादारी में चलने में, इसलिए तू उस सारे माल को गरीबों में मस्कीनों में खुदा की राह में तकसीम कर दे। तो वो शख्स उसने ऐसा ही किया, ये उसने ऐसा नहीं किया, वहां से चुप करके चला गया, जान चुरा गया। कई दफा पैसा जो है इंसान के लिए मुश्किल पैदा करता है, पैसा जो है, माल जो है वो तबाही की तरफ लेकर जाता है, लेकिन आज दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनका पैसा उनसे संभाला नहीं जाता, गिना नहीं जाता, बैंक अकाउंट जो है उनको पता ही नहीं है कितने पैसे हैं, लेकिन वो अपने माल का 90% खुदा को देते हैं। कितने कितने 90%, हम तो 10% देने से इनकार कर रहे हैं, हम तो 100 में से 10 जो खुदा के बनते हैं उनसे भागे हुए हैं। और दूसरे दिनों में मैं बाइबल क्लास में था, और ये इनका कुछ सीखने के अमल में इस मकाम पर पहुंचे कि चोरी गुनाह है, चोरी करना गुनाह है। तो उसमें बात आ रही थी कि चोरी करना, किसी का माल जो है चोरी करना, सिर्फ इसी को ना समझे, अगर कोई शख्स खुदा के दिए हुए में से उसके कितने उसे मिलते हैं, 100 मिलते हैं, कितने मिलते हैं, और उसमें से खुदा के कितने हैं, कितने हैं जी,
कितने हैं जी? सिर्फ 10। 100 में से 10। तो बाइबल क्लास में बात चल रही थी कि अगर वो 10 खुद खा लेता है तो उसने खुदा के हजूर चोरी की है। वो खुदा का क्या है? क्या है जी? ठग है। बल्कि एक लफ्ज वहां और भी यूज हुआ था, डकैत। उन्होंने कहा कि इंग्लिश में जो वर्ड है उसके मैनी डकैत के बनते हैं। वो खुदा का डकैत है, वो ठग है, उसने चोरी किया है माल को, और वो खुदा की चोरी करने वाला है, और वो शख्स जो है जो चोर है राष्ट्रवाद हो सकता है, ईमानदार कहला सकता है, अरे उपाई कहला सकता है, अरे और फख्र महसूस करे, मैं तो बपतिस्मा याफ्ता हूं, मैं तौबा याफ्ता हूं, मैं रूह याफ्ता हूं। तो वो है क्या? असल में डकैत है, फ्रॉडिया है, चोरी करने वाला है। सो हम बात कर रहे थे कि वो शख्स जिसके पास जब माल होता है तो उस माल को संभालना उसकी जिम्मेदारी है, और वो उसमें से उसकी कोशिश होती है कि चोरी की जाए, बचाया जाए, और जब वो उस माल पर फख्र कर रहा होता है तो बहुत सारी जो जो है गलत बातें उसकी जिंदगी में आ जाती है। और ये छोटा बेटा जो है इसकी भी ऐसी ही हालत है, इसने अपना माल लिया है और चला गया है, और एक तो बाप से दूर चला गया है, दूर मुल्क चला गया है, बाप के दिल की हालत अब कैसी है वो बाप जानता है। बाप और माँ की हालत उसके लिए अब कैसी है वो एक माँ जानती है। वो चला गया और वहां उसने बचन्नी में उस सारे पैसे को जाया कर दिया है। उस सारे पैसे को जब जाया कर दिया गया है, उसने सारे पैसे को जाया किया है, फिर भूखा मर रहा है, तन पे कपड़े नहीं रहे, पांव में जूते बाकी नहीं रहे। ये जो बड़ी शान और शौकत से जिंदगी बसर कर रहा था, अब एक गरीब शख्स है, बल्कि बिल्कुल लाचार हो गया है। तब इसे याद आया है, तब इसे एहसास हुआ है, तब उसे उस दर्द की बाबत समझ आई है, वो उस बाप को जान गया है, और उसने यूं किया है, जब वो उस सारे काम को कर रहा है, उसे एहसास हुआ है और उसे अंदाजा हुआ है कि बाप के पास अभी भी बहुत कुछ है, बाप के घर में अभी भी खाना मौजूद है। मैं समझता था कि मैं ये लेकर निकल जाऊंगा, बाप कमजोर हो जाएगा, लेकिन बाप उसी तरह इस द्रोह की तरह बड़ा जो है मजबूत नजर आ रहा है। बाप का साया अभी भी उसे जो है नजर आ रहा है, और वो चाहता है कि मैं उस बाप के पास जाऊंगा, और बेशक अब जिस तरह से मैंने किया है शायद मेरा बाप उसे कबूल मुझे ना करे, ये अंदर ही अंदर प्लान कर रहा है। और वो समझता नहीं, बाप की मोहब्बत को नहीं जानता, खुदा के हजूर में बाप के उस एहसास को नहीं समझता, उस मोहब्बत को, उसको प्यार जो है वो नहीं समझता, बाप को अभी भी वो नहीं समझा। कहता मैं वापस जाऊंगा और उसे कहूंगा अपने नौकरों की मानत मुझे रख दे, कम अज कम मुझे रोटी तो मिले, कम अज कम मुझे कपड़ा तो मिले, कम अज कम मुझे जूता तो मिले। अब फिर इसके अंदर अभी तक लालच बाकी है, अभी भी इसे बाप की मोहब्बत और प्यार पे फख्र नहीं है,
वो बाप की मोहब्बत को अब भी अपने अंदर उस तौर से जैसा होना चाहिए वो बाप की मोहब्बत को नहीं पहचानता। वो चाहता है वापस आए लेकिन अब बेटा नहीं बल्कि नौकर बन जाए। और जब वो वापस आता है दूर ही है, बाप ने उसकी हालत को देखा है, बाप ने उसके तन पर कपड़े नहीं देखे, बाप ने उसके पांव में जूते नहीं देखे, बाप ने उसकी रसवाई को देखा है, बाप ने उसकी उस हालत को देखा है और बाप के अंदर के तर्स को ये शख्स नहीं जानता। लिखा है बाप को उस पर तरस आता है और बाप अपनी जगह पर खड़ा नहीं रह सका। बाप दौड़ता हुआ आगे को बढ़ा है और जाकर उसने अपने बाजू फैलाए हैं, उसे गले लगा लिया है। ये है बाप की मोहब्बत, ये है प्यार, ये है उसका एहसास, ये है खुदा की तरफ से बाप की जिम्मेदारी। और वो उसको जानता है। काश आज के बाप इसी तरह अपनी औलाद से प्यार करने वाले हो और काश मुशर्रफ की तरह आज कोई भी औलाद में से नाफरमान ना हो। वो अपने बाजू फैलाए खड़ा है। और यहां आगे तस्वीर को देखते हैं, इस फैमिली के लिए जोरदार तालियां बजा दे जिन्होंने ये सारा काम किया है। बाप ने अपने बच्चे को संभाला हुआ है इस तरह से, उसके बाजू आपके लिए खुले हैं, वो आपको गिरने नहीं देगा, वो आपको संभालेगा, वो आपकी सहायता करेगा, वो आपकी मदद करेगा, वो आपके साथ साथ होगा, वो आपको हिफाजत देगा, वो आपके लिए जो जिम्मेदारी है उसका उसको महसूस करेगा और वो उसमें कायम रहेगा और वो आपके लिए एहसास करेगा। जरूरत ये है कि बच्चे भी इस बात को समझे। करामत ने इस बात को बड़ा वाज़े हम सबों के सामने रखा कि 10 हुक्मों में एक हुक्म ऐसा है जिसके साथ वादा है और वो ये है कि तू अपनी माँ और बाप की इज्जत करना, मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा। आज बहुत सारी जिंदगियां देखने में आ रही है, उम्र कता होती चली जा रही है, छोटी उम्र पता ही नहीं क्या हो रहा है। असल में ये एक बहुत बड़ा जो राज है इसको समझे कि बहुत सारे वालदैन जो है उनकी इज्जत नहीं हो रही, बच्चे नाफरमान हो गए हैं। बेटे और बेटियां बाप की इज्जत करना भूल गए हैं, वो अपने वालदैन के ताबे नहीं रहे, वो अपने वालदैन से मोहब्बत नहीं करते, वो अपने वालदैन का एहसास नहीं करते, टाइम नहीं देते। कहने अच्छा फादर भी आएगा तो तेरे ना मिला गे अरे बाकी दिन जड़े ना तेरे ना निबड़ा गे अरे बाकी दिन सारे निबड़न नहीं और एक दिन जो है मिलने के लिए। काश हम एक दिन नहीं बल्कि रोज अपने वालदैन की इज्जत करने वाले, काश हम एक दिन नहीं हम रोज अपने वालदैन का एहसास करने वाले, काश हम एक दिन बाप की नहीं बल्कि हर दिन बाप की इज्जत करें क्योंकि वो हमारा जो है पैदा करने वाला है। उसने बहुत सारी बातों में हमारी मदद की है और वो
तरबियत और नसीहत करने वाला है, हम उसकी नसीहत और तरबियत में रहकर खुदा की स्ताइश और उसकी तमजीद करने वाले वाले के लिए भी जरूरी है कि वो इस बात को समझे। जब इफ्तियो छठे बाप को जब हम पढ़ते हैं, इफ्तियो छठा बाप शुरू से ही, तो इसमें बड़ा जबरदस्त दर्स जो है वो जो है हमें नजर आता है। और उन लोगों के साथ अलाद वालों से बात हो रही है और अलाद से बात हो रही है, अलाद वालों से ये कहा जा रहा है कि अपने बच्चों की अच्छी तरह से तरबियत करो। और इसी से मैं ये इसकी छठा बात जो है उसके शुरू में और उसमें ये भी सिखाया जा रहा है कि बच्चे जो है वो भी वालदैन की इज्जत करें। काश इस बात को आज हम अपनी जिंदगी में ले सकें और बाप के फैले हुए हाथों को देखें। बाप ने दूर से देखा है, बच्चा जो है वो उसकी हालत ये है, उसके तन पर कपड़े नहीं है, उसके पाँव में जूते नहीं है, और बाप ने उसे देख लिया है, पहचान लिया है। बेशक इसका हुलिया बिगड़ा हुआ है लेकिन बाप की पहचान में है। बाप अपनी औलाद को पहचानता है, हर हाल में पहचानता है, और उसने देखा है और भागा है और दौड़कर उसे गले लगाया है, उसके गुस्से लिए हैं। और बेटे ने अगले ही लम्हात में जल्दी की है और कहा है कि बाप मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं, मुझे अपने नौकरों जैसा रख ले। लेकिन अगली आयत आप पढ़े तो बाप ने इन तमाम बातों को सुना ही नहीं है, उनको इग्नोर कर दिया है। वो ये कह रहा है मेरी सुन, मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ, मेरी सुन, मैं इस लायक नहीं कि अब मैं तेरे साथ बेटे की जो है बेटे की तरह रह सकूं, मुझे अपने नौकरों की मानत रख ले। इससे को जाकर जरूर पढ़िएगा। अगली हिस्से में आप देखेंगे बाप ने ऐसा है जैसे सुना ही नहीं है, बाप ने ऐसा है जैसे इन तमाम बातों पर गौर ही नहीं की। उसने एकदम से नौकरों को कॉल किया है, उसने अपने नौकरों को बुलाया, जल्दी से इसके लिए प्रसाद तैयार करो, जल्दी से इसके लिए जूते का इंतजाम करो, और एक जल्दी से भागे और अच्छे बछड़े को ज़बह करवाया जाए, ज़बह करो, ज़ियाफ़त तैयार करो, मेरा खोया हुआ बेटा मुझे मिल गया है, बेशक इसकी हालत अभी दुरुस्त नहीं है, बेशक इसका ज़हन अभी तक दुरुस्त नहीं है, अभी तक भी इसके ज़हन में इसके ख्याल में मोहब्बत और प्यार बाप की इज्जत नजर नहीं आ रही, ये तो नौकर जैसा अपने आप को समझ रहा है, मुझे अभी भी ये बाप नहीं मान रहा, अभी भी ये मुझे अपना बाप मान नहीं रहा। लेकिन मैं बाप हूँ और मैं ये चाहता हूँ उसे पोशाक दी जाए, मैं बाप हूँ मैं ये चाहता हूँ कि इसे जूते दिए जाए, मैं बाप हूँ इसको फिर से अंगूठी पहनाई जाए, मैं बाप हूँ मैं खुशी मनाऊंगा, मेरा बेटा मिल गया है, बेटे की हालत अभी भी दुरुस्त नहीं नजर आती। लेकिन बाप की मोहब्बत में कोई कमी नजर नहीं आती, बाप की जिम्मेदारी में कोई कमी नजर नहीं आती, बाप के एहसास जो है वो जो मोहब्बत के लिए है वो अभी भी नजर आ रहे हैं, बाप की तरफ से उसका तहफ्फुज जो है वो अभी भी नजर आ रहा है, बेटा अभी भी नाफरमान नजर आ रहा है। काश बेटे तब्दील हो जाए, बच्चे पर तब्दील हो जाए, बेटे बेटियां उनके जहन बदल जाए और वो सच्चे दिल से अपने वालदैन से मोहब्बत करें, सच्चा प्यार उनकी जिंदगी में नजर आए, वो दिल से अपने बाप का एहतराम करें, दिल से अपने बाप की इज्जत करें, दिल से वो अपने बाप को बाप माने,
कई बार मजबूरियां ही होती हैं और कई खानदानों में मैंने देखा है वो जीने चाहता लेकिन मजबूरी है। कई लोगों का ये हाल, कई बच्चों को ऐसे कहते सुन। और मुझे याद आ रहा है एक बच्चा जो है बाप के बड़ा बिगड़िया अब्बा अब्बा कहना कि मैं तो चाहना कि किसी तरह शनाख्ती कार्ड तो एरा नाम ही मेरे नाम तो गायब हो जाए। कई दफा बेटों की ये हालत होती है लेकिन उसी बाप को मैंने ये देखा है वो उसके लिए हमेशा तड़पता हुआ मैंने देखा है। वो जरा नाम कढ़ाने की कोशिश कर रहा है उसने ट्राई भी मारी कहने ने शनाख्ती कार्ड वाले ने कहा कि भाई ऐसा नहीं होता हम ऐसा नहीं कर सकते लेकिन उसने ये भी कर लिया। लेकिन गुजरे दिनों में उसके बेटे पर फिर एक मुसीबत थी और वो भी उसके पीछे पीछे था और उसके लिए काम कर रहा था और वो इस तरह से उसकी मदद के लिए तैयार था। वो जरा कहता है कि अब्बा कहना कि मेरा नाम ही मेरे नाम के नाल नहीं होना चाहिए लेकिन पाप की मोहब्बत तो फिर मैंने देखा। एक जिंदा कहानी आपके सामने और रखना चाहूंगा। मैं एक बाप के बारे में जानता हूं। लड़ाई हो गई काफी लोग जो थे वो दूसरी तरफ से थे ये नहत्ते लोग थे इनके पास कुछ भी नहीं था और लोगों ने पकड़ा और बेटे को मारना शुरू कर दिया। वो मार रहे हैं बाप जो है ना कोशिश कर रहे हैं बाप कर आगे आने की और आखिर ऐसा हुआ कि उसको जो है ना बेटे को मार मार कर उन्होंने गिरा दिया और बाप बड़ी कोशिश से बूढ़ा बाप जो है वो बड़ी कोशिश के साथ बड़ी जो है कोशिश के बाद वहां पहुंचा और वो अपने बच्चे के ऊपर लेट गया। अब वो लोग जो है बाप को मार रहे थे उसने वो सारी मार जो बेटे की थी अपनी जिंदगी में ले ली बूढ़ी उम्र में और वो ये जिंदा कहानी है। कोई स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ खानदान को बजा रहा हूँ कि मैं सामने ना लाऊं और उस बात ने उस अपने बेटे के लिए जो है बहुत सारी बात आज भी बाप के हाथ फैले हुए पोजीशन में आ गए। आज भी बाप के हाथ फैले हुए हैं वो आपसे प्यार करता है। आप अपने बाप से मोहब्बत करें आप भी आसमानी बाप की तरह उसको मौका दें। अगर हम यूसुफ के घर में जाते हैं तो यूसुफ के घर में लिखा है खुदावंद के नजदीक आओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। जब ये बेटा अपने बाप के नजदीक आया है तो बाप ने दौड़ लगा दी है इतनी उसने कोशिश की है कि जल्दी से मैं उसे थाम लूं। आज भी आसमानी बाप आपकी महाफजत के लिए तैयार है जमीनी बाप आपकी महाफजत के लिए तैयार है।